अयोध्या से है, जहां पर आज 8वां दीपोत्सव सरयू तट पर मनाया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस बार का दीपोत्सव खास है क्योंकि भगवान राम की दिव्य अलौकिक मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इस बार एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे। इसके साथ ही घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या में 500 ड्रोन के जरिए एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। अयोध्या से निमिष गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जरा दिखाइए अयोध्या की भव्यता निमिष, क्योंकि पूरे तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है अयोध्या को, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, इसलिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। देखिए, अयोध्या 8वें दीपोत्सव को लेकर दुल्हन के तरीके सजकर तैयार है। हम जिस जगह मौजूद हैं, ये रामलला का प्रवेश द्वार है और सब कुछ इन्हीं पर निछावर, इन्हीं से शुरू कुछ ऐसी ही धारणा है यहाँ के लोगों की। और देखिए रामलला के द्वार को जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र है। दूर दराज से जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको देख करके यहाँ पर अपनी बकायदा फोटो और जो स्मृतियां हैं वो साथ लेने ले जाना चाहते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ लोग विराजमान भी हैं, और हम इनसे पूछते हैं, सर कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से। कैसा लगा अयोध्या में? अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत सुंदर, अति सुंदर। यहाँ की सजावट वगैरह, 8वां दीपोत्सव है, कब आए हैं आप लोग? हर दीपोत्सव में, हम तो पहली बार ही आए हैं, लेकिन हर दीपोत्सव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है योगी जी ने, और हम तो ये चाहते हैं कि जब पूरा मंदिर बन जाए, भव्य मंदिर, फिर उसके बाद फिर दोबारा दर्शन करने आए। मंदिर तो बन चुका है, रामलला विराजमान, दर्शन हुआ? नहीं, हाँ वो हो गया। कैसा रहा अंदर की सजावट? कितनी अंदर? बहुत अच्छा है और दर्शन तो दिव्य है। कैसा लगा दर्शन? हम तो स्पेशली उसी के लिए आए, दीपोत्सव के लिए। हम अभी 2 साल से लगातार टीवी पे देखते थे। देखिए दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो यहाँ आप देखिए किस तरीके से सजावट हुई है, और काफी लोग हैं। कहाँ से हैं आप लोग? बढ़िया हूँ, जौनपुर। कैसा सजा हुआ है? बढ़िया है। तैयारियाँ कैसी दिख रही? आज आप दीपोत्सव के मौके पर यहाँ मौजूद हैं, शाम तक रहेंगे? जी जी जी। दीपोत्सव देखने आए? जी जी। दर्शन हुआ रामलला? हाँ दर्शन हुआ। आप कहाँ से? हम लोग जौनपुर से आए हैं, तो आए हैं कम से कम दर्शन करेंगे उनका, जो है शाम को आरती वगैरह देखेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया है। देखिए मैं यहाँ पर जो निकास द्वार है, ये दर्शन के लिए जो सजाया गया द्वार है, वो अब आप इसकी भव्यता को आनंद देखिए। इसका कहते हैं कि भगवान रामलला लंका विजय करके जब अयोध्या आए, तब से ही दीपोत्सव की शुरुआत हुई, दीपावली की शुरुआत हुई, और आज वही दिन वही क्षण वापस है, क्योंकि भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो ऐसे में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का जो उत्साह है, इस बार के दीपोत्सव को चरम पर पहुंचा दिया है। और इस बार दीपोत्सव में कई बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे अनोखा आसमान में ड्रोन शो, एरियल ड्रोन शो के जरिए 500 ड्रोन उड़ाए जाएंगे, और जो भगवान के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंग पर बाकायदा आकृतियां आकाश में दिखाएंगे। इसके अलावा आतिशबाजी, भगवान राम के जीवन प्रसंग पर आधारित शोभा यात्रा, ये सब आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। अयोध्या दुल्हन की तरीके सज गई, और जहां तक आपकी निगाह जाएगी, मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन की से कि ये मुख्य मार्ग है, और यहीं से राम पथ से होते हुए राम कथा पार्क तक शोभा यात्रा निकलेगी, और आपको दिखाऊं कैसे सजी है अयोध्या, कैसी दिख रही है अयोध्या। ना कभी किसी ने सोचा होगा, अयोध्यावासी खुद इस बात को नहीं सोच रहे थे कि कभी अयोध्या का ये दृश्य भी होगा, और आज अयोध्या रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद विश्व के मानचित्र पर, और देखिए क्या खूबसूरत ढंग से अयोध्या सज कर तैयार है। यहाँ का जो नज़ारा है वो बेहद खास है, यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, दीपोत्सव का भी आनंद ले रहे हैं। कहाँ से हैं भाऊजी आप? हमारे राम जन्मभूमि। दर्शन हुआ? बहुत बढ़िया से। कैसा हुआ माता? बहुत अच्छा। तैयारियाँ अच्छी हैं? बहुत अच्छी। आज शाम को दीपावली में शामिल होंगी यहाँ के? हाँ। आप लोग? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सजावट है, बहुत खुशी हुआ हम लोग। देखिए सजावट को लेकर यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो तो प्रसन्न नहीं है, इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग दर्शन करके निकल रहे हैं, अंदर आप दिखाना चाहूंगा। देखिए राम जन्मभूमि का ये मुख्य मार्ग है, इसके आगे मीडिया का या सुरक्षा कारणों से प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन आप तोरण द्वार दिख रहा होगा, जगह जगह पर तोरण द्वार है। मुख्य मार्ग के जो जन्मभूमि पथ है उसके दोनों तरफ सजावट हुई है, रंगोली सजाई गई है, फूलों की साज सज्जा है,
और बेहद ही खूबसूरत नजारा है यहाँ पर। आज भव्य दीपोत्सव है और आठवां दीपोत्सव भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की वजह से और भी खास दिख रहा है। यहाँ की जो तैयारियां हैं वो तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम समय बचा है, जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद होंगे और एक बार फिर अयोध्या दो अलग अलग विश्व रिकॉर्ड को बनाएगी, जहां एक तरफ 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलंटियर अपना ही कीर्तिमान तोड़ेंगे, तो वहीं 1100 वैदिक पटु और नारी शक्तियां एक साथ मां सरयू की आरती करेंगी, जो इस बार अपने में एक विश्व रिकॉर्ड होगा, जिसको लेकर पूर्वाभ्यास भी कल किया गया है और आज इसकी तैयारी है। इसके अलावा अयोध्या की परिकल्पना जिसने त्रेता की होगी वो शायद यही नजारा रहा होगा जो आज का है। आज जब भगवान राम की शोभा यात्रा नगर पर निकलेगी, जब भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या अवतरित होंगे, तो वो सब क्षण अविस्मरणीय है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक पहुंच चुके हैं और आज इस दीपोत्सव में श्रद्धालु शामिल भी होना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ का जो नजारा है, जो जन्मभूमि पथ का है, यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं की आमद बढ़ गई। हालांकि शोभा यात्रा और इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर के तमाम प्रतिबंध हैं, जो चार पहिया वाहन है, दो पहिया वाहन अंदर प्रवेश नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, आराध्य के भव्य दीपोत्सव में शामिल होना चाहते हैं और यहाँ पर अयोध्या की अविस्मरणीय छटा को निहार रहे हैं। जी बिल्कुल, और आप जिस तरह की तैयारियां दिखा रहे हैं वाकई बेहद खास, इस बार का भी दीपोत्सव होने जा रहा है, रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और हर बार रिकॉर्ड को तोड़ा भी जाता है। लोगों से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए निमिष की, वो कितना एक्साइटेड है आज दीपोत्सव को लेकर, कहां कहां से लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लोग दूर दूर से पहुंचते हैं इस दीपोत्सव का साक्षी बनने के लिए। देखिए यहाँ जहाँ है यहाँ पर ये लोग दर्शन करके, आप कहाँ से हैं भौजी? नेपाल से। दर्शन हुआ? हुआ। आज दीपोत्सव को लेकर दर्शन हो गया? नमस्ते। आज आज दीपावली अच्छी है, भगवान की शोभा यात्रा। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इधर का सिस्टम अच्छा है, बन रहा है, अंदर दर्शन अच्छा से हो गया। हो गया। आप कहाँ से हैं भाई? नेपाल से। दर्शन हो गया? हाँ हो गया। अंदर कैसा सजावट? हाँ सजावट अच्छा है, वो नया एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा। आप कहाँ से हैं? आंध्र से आए। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, राम का दर्शन अच्छा है भैया। आज तो आज दीपावली मनाई जाएगी, कितना उत्साह है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हर साल आ रहे। पूरे भारत को एक रंग में, एक भेष में राम ही कर सकते हो और ये वही नजारा है, चाहे आंध्रा हो, चाहे नेपाल हो, चाहे जहाँ के लोग हो, अयोध्या पहुँचे हैं और दर्शन करने के बाद जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस दीपावली के साक्षी होना चाहते हैं। देखिए ये अंदर यहीं से लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और निकल रहे हैं, जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है हम आपको दिखा पा रहे हैं, दोनों तरफ तोरण द्वार बनाए गए हैं, पुष्पों की सजावट की गई है और भगवान का एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां पर लोग वीर हनुमान के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। फिलहाल दूर दराज से जो लोग अयोध्या आ रहे हैं वो दर्शन भी कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद, आप लोग कहां से हैं? गुजरात। दर्शन हुआ? दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया दर्शन हो गया। सजावट अच्छी थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है सजावट, एक्सलेंट। दीपोत्सव है आज, आप लोग शामिल होंगे? यस सर। कैसा लगा अयोध्या सजावट? रामलला का दर्शन किया? बहुत अच्छे से किया। आप कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जबलपुर से। मैं सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ, सनातनियों को संदेश देना चाहता हूँ कि सनातनी खान पान को स्वच्छ और शुद्ध करें, सनातन के अनुसार खान पान रखें, यह देश सनातनी होगा। और की नगरी आज कभी सोचा था कि ऐसी बदलेगी? मन में एक स्वप्न था, स्वप्न साकार हो गया। आप कहाँ से? वही हम दोनों। कैसा रहा जी दर्शन करने के लिए? बहुत सुंदर रहा, बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास रहा। बस फर्क इतना है वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, ये जो वीआईपी कल्चर हमारे वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। दर्शन हुआ? जी हाँ हो गया। कैसा रहा अंदर सजावट? बहुत अच्छा लगा है। आज 25 लाख दीपक अयोध्या में जलाए जाएंगे और अयोध्या दीपोत्सव देखने के लिए हम लोग आए हैं और दर्शन करने के लिए। कहाँ से हैं आप? हम लोग गाजीपुरी। तो यहाँ पर आप तैयारियाँ आप लोगों की जो है वो अच्छी लगी देखा? हाँ बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अर्ली सुबह है और अभी तो नहीं, सुबह में ही जो है बहुत अच्छा था, शाम तक रहेंगे यहाँ, शाम का नजारा और भी खूबसूरत होगा। नहीं शाम को रहना है और कल भी रहना है। अच्छा जी। आप
दर्शन हुआ? हाँ, हो गया दर्शन। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, एकदम व्यवस्था है। ये कैसा लगा? बहुत ही शानदार और एक अलग ही अनुभूति हुई है हमें यहाँ आके। रामलला के दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया हो गए दर्शन। आप कहाँ से हैं? जय श्री राम, हम दर्शन नगर से ही हैं। हमें कहना है कि दीपोत्सव तो हम लोग कई वर्षों से मना रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे राम जी अयोध्या में सच में आ गए हैं, अपने भवन में आ गए हैं, और इस बार हम लोग सच की दिवाली मनाएंगे। जय श्री राम। आप कितना उत्साहित थे भगवान रामलला जैसा भी आप कह रही थी, तो ये जो आज सजावट है, जो खूबसूरती है अयोध्या की, कभी ऐसी सोच परिकल्पना थी आपकी? नहीं, कभी नहीं किए थे, कभी नहीं किए। आप कहाँ से हैं? सर मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ। दर्शन हुआ? जी सर जी। कैसा रहा? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा सर आके, और काफी अच्छा है। थैंक यू सर। यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं अंदर, जो सजावट है सर, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और काफी अच्छा द्वार भी है। देखिये यहाँ जो लोग हैं, जो दर्शन करके निकल रहे हैं, वो भाव विभोर भी हैं, और जो अयोध्या के लोग हैं या बाहर के भी जो लोग हैं, उन्होंने कभी ऐसी अयोध्या की परिकल्पना नहीं की थी कि एक बार फिर भगवान राम की नगरी भगवान राम के नाम से इस तरीके से विश्वविख्यात होगी। और आज भगवान के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद वही नज़ारा जीवंत होता दिख रहा है। और यहाँ का जो अयोध्या में आठवें दीपोत्सव का जो उत्साह है, वो पहले दीपोत्सव से भी कई गुना खास है। इस बार का दीपोत्सव 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए, जिसको आप सड़कों पर देख सकते हैं। देश और दुनिया के राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं, साक्षी होना चाहते हैं अयोध्या के इस भव्य दीपोत्सव का। और इस दीपोत्सव को खास बनाने के लिए योगी सरकार ने ताकत लगाई है। अयोध्या दुल्हन की तरीके सज कर सवर कर तैयार है। आराध्य के इस महामहोत्सव में देश और दुनिया के राम भक्त शामिल हैं, और कुछ वही नजारा यहाँ पर दिख रहा है। एक रंग एक वेश, जो भी पहुंच रहा है वो आपको राम के नाम का, राम के नाम के दर्शन करते। ये इस तरफ राम मंदिर का जो ट्रस्ट का कार्यालय है वो बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई निमिष, और साथ ही वाकई ये तस्वीरें अद्भुत है, अविश्वसनीय है, क्योंकि इस बार की दिवाली, इस बार का दीपोत्सव बेहद खास रहने वाला के अयोध्या में। और उसकी तस्वीरें आप दिखा रहे थे, व्यवस्थाओं को भी आपने बताया, इंतजामों की भी हमने बात की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।